एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया लगातार कई दिनों से चर्चाओं में बने हुए हैं। वजह है ड्रग्स मामले में दोनों का नाम आना। कुछ दिनों पहले ही ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने भारती के घर पर छापा मारा था, जहां से कुछ मात्रा में गांजा बरामद हुआ था और बाद में उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। भले ही वो और उनके पति हर्ष को बेल मिल गई हो, लेकिन बाहर आने के बाद भी भारती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ड्रग्स केस में फंसने के बाद से ही भारती न सिर्फ ट्रोल हो रही हैं, बल्कि वो कई लोगों के निशाने पर भी आ रही हैं। इतना ही नहीं, अब तो भारती सिंह के चलते कपिल और सलमान के शो द कपिल शर्मा शो पर बुरा असर पड़ता दिख रहा है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बेयर टीआरपी रेटिंग्स के मामले में इस शो को बड़ा झटका लगा है। जहां कुछ दिनों पहले तक कपिल का ये शो टीआरपी में टॉप 10 में छाया रहता था, वहीं इस हफ्ते ये शो टॉप 10 शोज की लिस्ट से बाहर हो गया है और सीधा 13वें नंबर पर आ गया है। अब लोग इसे भारती सिंह से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारती की इमेज खराब होने के कारण इस शो की टीआरपी पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों में भारती को लेकर गुस्सा है, जिसका अंजाम अब शो पर पड़ता दिख रहा है। बता दें, कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के गलियारों में इस तरह की खबरें आई थी कि ड्रग्स मामले में फंसने के चलते शो के मेकर्स भारती की छुट्टी करने वाले हैं, ताकि लोग शो का बॉयकॉट ना करने लगे। लेकिन अब जब शो की टीआरपी पर बुरा असर दिख रहा है, तो अब शायद मेकर्स कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारती समेत कपिल और सलमान के लिए ये बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि अगर शो की टीआरपी गिरती गई तो जल्द ही शो पर ताला भी लग सकता है। खैर, फिलहाल क्या आने वाले दिनों में कपिल के शो को दर्शक मिलते हैं या नहीं, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो आप हमें कॉमेंट करके ये बताइएगा कि इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है।